सोलन नगर परिषद को नगर निगम बनाने के लिए कैबिनेट ने अपना फैसला दे दिया है, जिसमें घोषणा की गई है कि सोलन को नगर निगम का दर्जा दे दिया है। इस खबर से सभी सोलनवासी खुश नजर आ रहे हैं। सोलन शहरी कांग्रेस के अध्यक्ष अंकुश सूद ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। अंकुश सूद ने सभी सोलनवासियों को इस मौके पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सोलन में विभिन्न संस्थाएं नगर निगम की मांग पिछले काफी वर्षों से कर रही थी, उनकी ये मांग आज पूरी की गई है। नगर निगम बनने से उम्मीद है कि सोलन का चहुमुखी विकास होगा और सोलन आने वाले समय में विकास की नई इबारत लिखेगा। खुशी जाहिर करते हुए सोलन शहरी कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सोलन नगर निगम संघर्ष समिति और विधायक पिछले काफी समय से सोलन नगर निगम बने इसके लिए प्रयास कर रहे थे। विधायक धनीराम चांडिल द्वारा ये मांग कई बार विधानसभा में रखी गई है, जिस पर प्रदेश सरकार ने आज सोलन को नगर निगम घोषित कर दिया है, जिसके चलते सोलन वासियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि वे कार्य भी आसानी से हो पाएंगे, जो बजट की कमी के कारण पिछले काफी समय से नहीं हो पा रहे थे। उन्हें उम्मीद है कि सोलन में पार्किंग और पैदल चलने के मार्ग भी जल्द बनेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए ये फैसला दिया है, जिसके लिए वे प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हैं। और वहीं वे नगर निगम संघर्ष समिति के सभी सदस्यों और नगर निगम की मांग करने वाले तमाम नागरिकों को वे बधाई देते हैं कि उनका संघर्ष आज रंग लाया है। बड़े दिनों के बाद और बहुत ही लंबे इंतजार के बाद और कोरोना काल जैसी महामारी से निपटने के बाद सोलन शहर को एक बहुत ही अच्छी खबर इस त्योहारी सीजन में मिली है, जो अभी अभी हमें मीडिया के माध्यम से पता चला है कि सोलन को नगर निगम घोषित कर दिया गया है। इस सबसे पहले सोलन को नगर निगम बनाने के लिए मैं सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने सोलन वासियों की बात सुनते हुए उनकी भावनाओं और ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए सोलन को नगर निगम बनाया। उस पश्चात मैं अपने सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल जी का भी तहे दिल से शुक्रिया करूंगा, जिन्होंने विधानसभा में भी इस बात को उठाया था और सोलन के लोगों को विकास की ओर मोड़ने के लिए सोलन को नगर निगम बनाने पर जोर दिया था। और साथ ही साथ मैं बधाई देना चाहूंगा सोलन संघर्ष समिति को भी, जिन्होंने इस चीज़ की नींव रखी और पूरे सोलन में एक अलख जगाई कि सोलन अगर सोलन नगर निगम बन जाएगा तो सोलन में विकास की गंगा बहने लगेगी। इसी विश्वास के साथ सभी को आज थी कि सोलन परिषद सोलन नगर निगम में बदले और जो हमें केंद्र से और राज्य सरकार से जो मदद और जो एक्स्ट्रा फंड्स हमें आ सकते हैं नगर निगम बनने के बाद वो आए। तो आज बहुत ही खुशी का दिन है, सभी सोलन वासियों को इसकी मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और हमें पूरी उम्मीद है पूरी आशा है कि आने वाला समय सोलन के लिए बहुत अच्छा होगा। जब फंड की रफ्तार बढ़ेगी तो सोलन के अंदर सड़कों का सुधार होगा। इतने समय से इतना पुराना शहर, परंतु अगर आप यहाँ पर सड़कों की हालत देखिए तो बद से बदतर है। अब मुझे उम्मीद है कि लगभग पूरे सोलन में इंटरलॉक टाइल्स लगेंगी और सोलन जो है वो डस्ट फ्री भी होगा। साथ ही साथ डस्टबिन और कूड़ा की जो समस्या रही है कभी श्रमिकों की या क्रमिकों की कमी की वजह से या फिर अच्छी मैनेजमेंट या कम फंड होने के कारण जो कूड़ा की मैनेजमेंट अभी तक सोलन के अंदर नगर परिषद नहीं कर पाया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि नगर निगम बनने के बाद इस समस्या भी से भी लोगों को समाधान मिलेगा और लोग जो है राहत महसूस करेंगे। साथ ही साथ बढ़ते शहर में पैदल पारपत की जो समस्या हमारे सोलन में बहुत बड़ी हो गई थी और उसके बजट भी ज़्यादा चाहिए होता था, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नगर निगम बनने के पश्चात मुख्य सड़कों के साइड साइड में जो हैं बच्चों के चलने के लिए, बुजुर्गों के और सभी के लिए और लेडीज़ के चलने के लिए सुविधा होगी और पैदल पारपथ बनेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि सोलन में चहुमुखी विकास होगा, ऐसी आशा हम नगर निगम से रखते हैं। साथ ही साथ नगर निगम के अंदर जब एक HAS या IAS लेवल के अधिकारी बैठेंगे और XCN साहब बैठेंगे, SDO साहब की संख्या बढ़ जाएगी, JE साहब की भी संख्या बढ़ जाएगी, मतलब स्टाफ बढ़ जाएगा, फंड ज़्यादा होगा और एरिया हमारा वही रहेगा लगभग, तो मुझे उम्मीद है कि जो विकास सोलन का कुछ वर्षों से रुक सा गया था अब उसे फिर से एक बार गति मिलेगी। इस सभी के लिए मैं उन सभी लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने चाहे 1% ही सोलन नगर निगम को बनाने के लिए मेहनत करी है। आज उन सब की मेहनत सफल हुई है।